ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। अथ रविवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 मुनिगण एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने अनेकों पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, उनको सुनकर हमारी आपसे और कथा सुनने की इच्छा बढ़ गई है। कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मोक्ष की प्राप्ति हो। कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु होंगे, निर्धन होंगे, अनेक प्रकार के रोग होंगे, फिर किस प्रकार वो तपस्या यज्ञ आदि करेंगे, कैसे श्री हरि का स्मरण ध्यान कर पाएंगे। इसलिए हे सूत जी, आप कोई मोक्ष को देने वाला, रोग को नाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला, रोग मुक्ति मनोकामना पूर्ण हेतु व्रत बताए जिसके करने से लोक में सभी प्रकार के सुख मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने संसार के कल्याणार्थ बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। रोग मुक्तिदायक मोक्ष प्रदाता उत्तम व्रत मैं तुमसे कहूँगा, ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार के व्रत कहने में मैं असमर्थ हूँ, विषय बहुत ही गहन है। जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा था, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कुंती ने पूछा था, उसी सुंदर संवाद को मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कुंती के आश्रम पर पहुँचे। कुंती देवी ने बड़े ही प्रेम से श्री कृष्ण भगवान का आदर सत्कार किया और सुंदर आसन देकर बैठाया। कृष्ण ने कुंती से कुशल का समाचार पूछा। कुंती ने कहा, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसको क्या स्वप्न में भी कोई कष्ट हो सकता है। प्रभु, सुख दुख तो आप ही देते हैं, फिर हमें क्या क्या सुख क्या दुख। हे अमंगलकारी, आपका नाम ही सभी अमंगल को नष्ट करके मंगल करने वाला है। इस प्रकार आपने दर्शन दिए, प्रभु, अब आपके दर्शन के बाद कहाँ कष्ट और दुख बचा है। परंतु आपकी आज्ञा है तो प्रभु हमें कोई ऐसा व्रत बताया जिसके करने से रोग मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि सभी मनुष्य योगी मुनि तपस्वी मोक्ष की इच्छा करते हैं। प्रभु, मोक्षदायी कोई व्रत बताए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, लेकिन मैं असमर्थ हूँ इस प्रश्न का उत्तर देने में, लेकिन फिर भी कहूँगा। एक समय की बात है कि पार्वती ने भगवान शंकर से यही प्रश्न किया था, उसी कथा को मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे देवी, एक समय कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के साथ देवादेव महादेव भगवान शिव बैठे हुए थे। उनके पास नंदियाद गढ़ भी बैठे थे। उसी समय देवी पार्वती ने शंकर जी से पूछा, हे प्रभु, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चराचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। प्रभु, आप सर्वज्ञ समर्थ कल्याण करने वाले हैं। आप सब कलाओं से युक्त गुणों के भंडार हैं। आप योग ज्ञान वैराग्य के समुद्र हैं। आप शरणागत के लिए कल्प वृक्ष हैं। प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो क्या दरिद्र हो सकता है। हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करो। हे स्वामी, रोग मुक्ति कारक, शरीर कष्ट निवारक, मोक्ष देने वाला व्रत कहो। हे नाथ, उस व्रत को समझा कर कहिए, मुझे नादान समझ कर क्रोध ना करिएगा। जिस प्रकार मेरी अभिलाषा पूर्ण हो आप वही कार्य कीजिए। प्रभु, स्त्री होने के कारण मैं इस व्रत को सुनने की अधिकारी हूँ। मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं वहाँ गुण तत्व भी बता देते हैं। हे देवताओं के नाथ, मैं बहुत ही आर्थ भाव से दीनता से पूछ रही हूँ। आप मुझ पर दया करके रोग विनाशक कष्ट हरण करने वाला मोक्ष देने वाला व्रत बताइए। पार्वती के सह सुंदर और छल रहित प्रश्न को सुनकर भगवान शिव जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सारे समस्त जगत को पावन करने वाले कथा रूपी गंगा के बारे में पूछा है। तुम धन्य हो, धन्य हो। इस प्रसंग को सुनने से सभी का कल्याण होगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भुवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के संत के दर्शन नहीं किए, बस उनके नेत्र तो मोर के पंख पर दिखाने वाली नकली आंखों के समान है। जिन प्राणियों ने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे जीते ही मुर्दे के समान है। जिन हरिभगत हृदय नहीं आना, जीवत सौ समान ते प्राणी। जिन
अरे भगत हृदय नहीं आने, जिन्होंने अपने हृदय में स्थान नहीं दिया हरि भक्ति को मुर्दा ही है। जो जीव हरि के गुणों का गान नहीं करती वो मेढक की जीव के समान है। हे पार्वती, पुण्य भूमि भारतवर्ष में ऋषि पत्नियों का एक समूह यमुना के किनारे पर उत्तम व्रत करने के लिए एकत्रित हुआ था। तुम उस व्रत को जाकर देखो, वह रोग हर शरीर कष्ट निवारक मोक्ष को देने वाला व्रत है। शिव शंकर की आज्ञा पाकर देवी कैलाश से भारतवर्ष के लिए चल पड़ी। मार्ग में कुसुमावती नामक एक स्त्री मिली, उसके कोई पुत्र संतान नहीं था। बड़ी ही दुखी थी, पति ने उसे छोड़ दिया था, अनेक प्रकार से रो रही थी। पार्वती जी ने उसको दुखी देखा तो पूछा, देवी क्या है, किस कारण रो रही? कुसुमावती ने कहा, हे देवी, मेरे कोई पुत्र संतान नहीं है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ, वन में दुखी हूँ, रो रही हूँ। पार्वती जी ने उससे कहा कि चलो मेरे साथ, हम दोनों एक पवित्र व्रत करेंगे और जिसके करने से तुझे तुम्हारा पति प्राप्त हो जाएगा। यह व्रत बड़ा उत्तम है, मोक्ष देने वाला है, फिर पति सुख तो उससे बहुत ही छोटा है। देवी पार्वती की बात मानकर कुसुमावती उनके साथ चल पड़ी। कुछ ही दूर पर पार्वती और कुसुमावती चली ही थी कि एक और रोती हुई स्त्री मिली। उसको देखकर जब पार्वती माँ ने पूछा कि भद्रा आपका क्या नाम है, क्यों रो रही हो, दुखी क्यों हो? उसने कहा, मेरा नाम गंगा है, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पति मुझे छोड़ना चाहते हैं। अब पुत्र पैदा करना तो हमारे हाथ में है नहीं, और पुत्र नहीं होगा तो मुझे त्यागेंगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी, इसी दुख से मैं दुखी हो रही हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं आता जिससे मैं इस दुख से बच पाऊँ। पार्वती माँ ने कहा, गंगा तुम्हारा पति विषोह होगा, नहीं पुत्र भी मिल जाएगा। पार्वती कुसुमावती और गंगा को साथ लेकर रविवार को पूर्वान के समय यमुना के किनारे पर पहुंची। वहां उन्होंने मुनि पत्नियों को व्रत करते हुए देखा। पार्वती माँ ने पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हैं, किस देवता का व्रत कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, ये व्रत कैसे किया जाता है? ऋषि पत्नियों ने कहा, हे देवियों, हम पापनाशक सूर्य का दान फल व्रत कर रही हैं। सौर मंडल में सूर्य के अंतर्यामी रूप में विराजमान रहने वाले ईश्वर का पूजन ध्यान किया जाता है। ये व्रत दुर्लभ मोक्ष को भी देने वाला, धन पुत्र आदि तो गिनती में ही क्या है। जो स्त्री और पुरुष जिस कामना से इस व्रत को करते हैं अवश्य ही पूर्ण हो जाता है। निर्धन को धन, दुखी को सुख, पुत्रहीन को पुत्र, रोगी को रोग मुक्त होकर अंत में मुनिजन जैसे दुर्लभ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ये व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से प्रारंभ करना चाहिए। तेल, आंवला, नमक, अनार, छाल और को छोड़कर एक समय भोजन करना चाहिए। 5 साल व्रत करना, उसके बाद उद्यापन किया जाता है। इन 5 सालों में प्रत्येक साल एक एक धान्य सूर्य को समर्पित करना चाहिए। जिस धान को जिस साल में अर्पित किए जाए उस साल में उसे नहीं खाना चाहिए। पहले वर्ष में जौ, दूसरे वर्ष में गेहूँ, तीसरे वर्ष में चना, चौथे वर्ष में तिल और पांचवें वर्ष में उड़द की दाल। उड़द अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार इसका दान करना चाहिए। 12 ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। व्रत का उद्यापन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है और उसी रविवार हो तो बड़ा अच्छा, नहीं तो फिर भी करे, भोजन कराए ब्राह्मणों को, वस्त्र दक्षिणा आदि देकर पूजा करे। इस व्रत के प्रभाव से शरीर का रोग समाप्त हो जाता है। यह समृद्धि, बुद्धि, स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त हो जाता है। अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। इस प्रकार पार्वती, पुष्पावती, गंगा ने व्रत का फल विधान सुना तथा सभी स्त्रियों के साथ व्रत भी किया। इस व्रत के प्रभाव से कुसुमावती को अपने पति का प्रेम प्राप्त हो गया। गंगा को इस व्रत के प्रभाव से उत्तम पुत्र मिला। पार्वती जी ने इस व्रत को करके मधुफल की प्राप्ति की और कैलाश के लिए चल पड़ी। पार्वती जी अपने हाथ में मधुफल लिए कैलाश को जा रही थी तो उन्होंने मार्ग में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण बड़ा ही निर्धन था। पार्वती जी ने दया किया, उस फल वह फल उस ब्राह्मण के लिए दिया और स्वयं कैलाश के लिए चल पड़ी और भगवान शंकर को नमस्कार करके बैठ गई। ब्राह्मण फल सहित घर लौटा तो बड़े ही विस्मय में पड़ गया। उसका घर धन धान से भर गया था। बहुत सारी गायें द्वार पर खड़ी थी, नौकर चाकर खड़े थे। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से पूछा, ये किस चीज का प्रभाव है? ब्राह्मणी ने हाथ में फल देखा तो कहा, यह तो मधुफल है, रविवार के व्रत के फल स्वरूप मिला है। मुझे लगता है इसी का प्रभाव, जो आप हाथ में लिए हैं यह आपको कहाँ से मिला, यह सब इस फल का ही प्रताप है। ब्राह्मण ने सारी कथा ब्राह्मणी को सुनाई। उस फल के प्रताप से ब्राह्मण के सारे दुख दूर हो गए और रविवार का व्रत करने लगा। भगवान सूर्य की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में उसने दुर्लभ मोक्ष की भी प्राप्ति की। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, इस कथा को सुनता है, दूसरे को सुनाता है, लोक में नाना प्रकार के सुख को भोग कर पुत्र पौत्र का सुख
लाभ कर अंत में भगवान के धाम को जाता है। भगवान सूर्य की जय।